आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल देसी फूड व्यूअर्स। देसी फूड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं प्याज के लच्छेदार पकौड़े। यहाँ पे हमारे पास प्याज है एक बड़े साइज का और एक दरमियाने साइज का, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, साबुत जीरा है, हसबे जरूरत इसमें शामिल करेंगे। बेसन के हमारे पास 2 बड़े चाय के चम्मच है और यहाँ पे मैदा 1 बड़ा चाय का चम्मच और यहाँ पे हसबे जरूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सोया सॉस है, इसको हम तकरीबन हसबे जरूरत 1/2 चाय का चम्मच यूज करेंगे और इसको हम 2 चाय का चम्मच जो कि हमारे पास है चिली सॉस ये यूज करेंगे। इसको मिक्स करने के लिए हमारे पास 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी शामिल नहीं करेंगे, जितनी जरूरत हुई पानी की उसका उसमें हमने पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले प्याज की कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स इसी तरह के हम दूसरा प्याज की कटिंग करेंगे, इसी तरह लच्छेदार काटने, ना ज्यादा बारीक और ना ही ज्यादा मोटा। व्यूअर्स प्याज की हम कटिंग कर चुके हैं, अब इसके हम मैरिनेशन के लिए बनाते हैं इसका दूसरा मसाला। वो बनाने के लिए हमारे पास एक बाउल है, उसमें हम शामिल करेंगे हमारे पास ये बेसन है 2 बड़े चाय के चम्मच है, इसको भी हम सारा ही शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है मैदा 1/2 चाय का चम्मच, और इसमें शामिल करेंगे हमारे पास ये है नमक, हसबे जरूरत इसमें नमक शामिल करेंगे, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, इन सबको हमें एक ही दफा डाल देंगे। ये हम डाल चुके हैं, अब इसको हम मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तब इसमें सॉसेस डालेंगे जो हमारे पास 2 तरह के शाम पड़े हैं। अब हम डालेंगे सॉस, ये हमारे पास है सोया सॉस, हाफ टी स्पून, उसके बाद हमारे पास है चिली सॉस, ये 2 टीस्पून जाएंगे, ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हसबे जरूरत पानी शामिल करेंगे जिसकी अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी सी बन जाए। व्यूअर्स ये अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी सी बन चुकी है, अब हम इसमें डिप करेंगे और हम ऑयल का हमारे पास गरम किया हुआ है उसमें शामिल करेंगे और इसके पकौड़े मजेदार से तैयार हो जाएंगे। व्यूअर्स यहाँ पे ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसको हम एक ही प्याज को डिप करेंगे इसके अंदर। ये अच्छी तरह से हम इसमें जो हमने मटेरियल तैयार किया था उसके अंदर हमने डिप किया है। इसको हम धीमी आंच पे बनाएंगे क्योंकि ये प्याज हैं, प्याज तो जल्दी से बन जाएंगे, ब्राउन में हो जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पकौड़े बिल्कुल पक जाएंगे तब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये अच्छी तरह से बन चुके हैं। व्यूअर्स ये नहायत ही आसान रेसिपी है और बहुत मजे की बनती है, आप जरूर ट्राई करें। सर्दी के मौसम में तो अक्सर पकौड़े खाए जाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी शौक से खाते हैं और ये जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही मजे के हैं।
आहिस्ता आहिस्ता जो हमने कटिंग किए थे प्याज, हमारे पास तकरीबन 1.5 प्याज था, और उन सबको हम फ्राई करेंगे और फिर एक साथ सर्व करेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से पकौड़े बन चुके हैं। हमने पहले इनको इनका सारा सामान तैयार किया था, इस तरह से हमने लच्छेदार प्याज काटे थे, उनको हम बेसन में और मैदे में डिप करके हमने उन्हें फ्राई किया था, और ये अच्छी तरह से बन चुकी हैं। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। हमारी नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।